बच्चों, अब हम आ गए फिफ्थ के फोर पॉइंट पे। वन प्लस sec a अपॉन में sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a वन माइनस cos a। हिंट क्या दे रहा है ये, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, मतलब कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली करके दिखाओ। तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लस sec a अपॉन में sec a। sec a को हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन cos a। वन अप सिंप्लीफाई तो करना है ना हमें, अब हम sec a को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, cos a में कन्वर्ट करके। तो वन अपॉन cos a करा, इधर भी sec a को हमने वन अपॉन cos a करा। इसका LCM ले लेंगे, LCM लेने से क्या होगा, cos a नीचे हो जाएगा और cos a प्लस वन बन जाएगा, वन अपॉन cos a है। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आपको पता ही है कि ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होके ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल होने से ये आपस में कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, cos a प्लस वन। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, इतनी तो ये सिंप्लीफाई हो गई। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, साइन स्क्वेयर है अपॉन में वन माइनस cos a। साइन स्क्वेयर है क्या होता है, साइन स्क्वेयर है वन माइनस cos स्क्वेयर है भी तो होता है इस आइडेंटिटी के हिसाब से। नीचे क्या रह गया, वन माइनस cos a। अब अगर हम इसे वन को वन स्क्वेयर लिख ले तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन का स्क्वेयर तो वन ही होता है। तो यानी कि हम इसके अंदर फार्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लगाने से हमारे को क्या बेनिफिट होगा कि हमें ये टर्म मिल जाएगी, वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए। वन माइनस कॉस ए जो है वो वन माइनस कॉस ए से कट जाएगा और क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। अच्छा ये तो चलो बच्चों ठीक, क्वेश्चन में हमें हिंट दे रखा था। अब बाई चांस अगर हमें हिंट ना दे रखा हो तब इसे कैसे करेंगे, तो सेकंड मेथड में आपको ये बताती हूँ कि राइट हैंड साइड को लेंगे हम साइन स्क्वेयर ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए। साइन स्क्वेयर ए क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वेयर ए है ना इस आइडेंटिटी के हिसाब से। अब इस आइडेंटिटी के हिसाब से वन स्क्वेयर, अब ये इस वन को अगर मैं स्क्वेयर कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। उससे क्या होगा, ये दोनों एक प्लस में हो जाएगी एक माइनस में हो जाएगी, जैसे हमने उसमें पहले वाले मेथड में किया था, वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए। नीचे जो वन माइनस कॉस ए है वो कट जाएगा और बचेगा क्या, वन प्लस कॉस ए। अब कॉस ए क्या होता है, वन अपॉन सेक ए। अभी अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम लेके क्या आएगा, सेक ए sec a प्लस वन, यानी कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है उसके इक्वल आ गया। हो गए ना प्रूफ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया सेकेंड मेथड। अगर अदरवाइज नहीं आता हिंट लिखा हुआ तब ये करना है, नहीं तो इसी तरीके से करेंगे हम।